नहीं, ये इनमें से कोई नहीं था। उसने एक बार फिर किताब पर निगाह डाली। मिस्टर क्रिस्टोफर, मिस्टर टेम्पल, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। उसकी याद की तलाश ऐसे दिलकश लड़के, इसके पीछे से आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत हाथ में ट्री ट्रे लिए खड़ी थी। वो किसी हद तक वाकिफ लगते हैं, सच में कितना दिलचस्प है, उसने कहा। मैंने ये नाम कहीं पहले सुना है, क्या वो कतार में नहीं है? शायद ये अखबारात में था, वो किसी भी तरह मशहूर नहीं थे, है ना? मेरा मतलब मशहूर क्रिकेटर या फुटबॉलर या कुछ ऐसा ही। मशहूर? उस औरत ने चाय की ट्रे रखते हुए कहा। बिली ने एक नज़र नीचे किताब को देखा। मिस्टर क्रिस्टोफर, यहाँ देखिए, बिली ने तारीखों को देखते हुए कहा। ये आखिरी एंट्रीज 2 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, है ना? हाँ यकीनन। और क्रिस्टोफर, उस औरत ने अपना सर हिलाते हुए और एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है मिस्टर वॉकिंस, बिली ने कहा। मैं वीवर हूँ, वीवर। ओह यकीनन, आप वीवर हैं, वो सोफे पर बैठकर कहती रही। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं माजरा चाहती हूँ मिस्टर वीवर। आप कुछ जानते हैं? बिली ने कहा। ऐसी कोई चीज़ जो वाकई इस सब के बारे में काफ़ी गैर मामूली है? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, आप देख रही हैं इन दोनों नामों मिस्टर क्रिस्टोफर और मिस्टर टेम्पल में, मैं ना सिर्फ इन में से हर एक को अलग अलग याद करता हूँ, लिहाजा बोलता भी अलग अलग हूँ, लेकिन उन दोनों में एक बात है जिससे वो दोनों जुड़े हुए हैं। काफ़ी दिलचस्प, उस औरत ने कहा। लेकिन अब यहाँ बैठो और ये चाय लो, और अदरक और बिस्किट भी, इससे पहले कि तुम सोने चले जाओ, बिली ने कहा। आपको वाकई परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे यकीन है कि इनका नाम अखबार में था। बिली को हार मानने से नफरत थी। उसने कहा, एक मिनट रुको, एक मिनट मिस्टर क्रिस्टोफर, ये वो नहीं था जो ईटन के स्कूल में पढ़ता था, जो मगरिब के रास्ते पर सैर कर रहा था और फिर अचानक दूध और चीनी, जी हाँ बराए मेहरबानी, और फिर अचानक ईटन स्कूल वाला, औरत ने कहा। अरे नहीं, ये मुमकिन तौर पर दुरुस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि मिस्टर क्रिस्टोफर मेरे पास आए तो यकीनन एक ईटन स्कूल के स्टूडेंट नहीं थे, वो कैम्ब्रिज अंडर ग्रेजुएट थे। अभी यहाँ आओ और मेरे पास बैठ जाओ और इस खूबसूरत आग के सामने खुद को गर्म करो। लो तुम्हारी चाय, तुम्हारे लिए तैयार है, उसने सोफे पर थपथपाते हुए कहा। वो बिली को देखकर मुस्कुराती और उसके आने का इंतज़ार करती रही। बिली बैठ गया, उसने कहा, तो लो चाय, ये कितना अच्छा और आरामदेह है ना? बिली ने चाय का घोट पीना शुरू कर दिया। उसने भी ऐसा ही किया। आधे मिनट या उससे ज़्यादा दोनों में से किसी ने बात नहीं की, लेकिन बिली जानता था कि वो इसके तरफ देख रही है, वो इसके तरफ रुख किए बैठी है और वो इसकी आंखें अपने चेहरे पर जमाए हुई है। इस बार एक अजीब सी महक आ रही थी जो उस औरत से आ रही थी। बिली ने सोचा, क्या ये आचार या ये अस्पताल का कॉरिडोर था? उसे बहुत अजीब लग रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि उस औरत ने कहा, मिस्टर क्रिस्टोफर को चाय बहुत पसंद थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो इतनी चाय पीता हो, बिली ने कहा। मुझे लगता है मिस्टर क्रिस्टोफर यहाँ से हाल ही में गए हैं। वो अभी भी इन दोनों के बारे में सोच रहा था और उसे अब इस बात पर यकीन था कि उसने इन्हें अखबारों की सुर्खियों में देखा है। अचानक उस औरत ने कहा, चले गए? लेकिन वो कभी नहीं गए, वो यहीं हैं और मिस्टर टेम्पल भी यहीं हैं, वो दोनों एक साथ तीसरे मंजिल पर हैं। बिली ने अपना कप आहिस्ता आहिस्ता टेबल पर रख दिया और अपनी मालकिन की तरफ देखने लगा। बिली ने अपना कप आहिस्ता आहिस्ता टेबल पर रख दिया और उस औरत की तरफ देखने लगा।
उस औरत ने अपने हाथों से बिली के घुटनों पर थपथपाया और पूछा, आपकी उम्र कितनी है? 17। 17? उस औरत ने अपने हाथ से बिली के घुटनों पर आराम से थपथपाया और पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 17। 17? वो चौंक कर बोली, ओह, ये बहुत अच्छी उम्र है। मिस्टर क्रिस्टोफर भी थे 17 साल के, पर इनके दांत इतने सफ़ेद नहीं थे। मिस्टर वीवर, आपके पास इंतहाई खूबसूरत दांत हैं, क्या आपको ये मालूम था? मिस्टर टेंपल यकीनन थोड़ा बूढ़े थे, वो दरअसल 28 साल के थे, और फिर भी मैं कभी नहीं समझती, अगर वो मुझे ना बताते तो मेरी सारी ज़िंदगी मैं कभी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। उसके जिस्म पर कोई एक भी दाग नहीं था। एक क्या? बिली ने चौंक कर कहा। थोड़ी देर कमरे में शांति रही। बिली ने चाय का एक और घूंट लिया, फिर उसने उसकी तश्तरी में उसे दोबारा आहिस्ता से रखा। उसने उस औरत के कुछ कहने का इंतज़ार किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो औरत किसी चीज़ में गुम गई हो। फिर बिली ने आखिरकार कहा कि उस तोते ने मुझे मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ बना दिया। जब मैं गली में था, मुझे लगा वो असली है। ये बिल्कुल असली लगता है। ये किसने किया? मैंने। क्या? वो कुत्ता आग के सामने आराम से लेटा हुआ था। अचानक बिली को एहसास हुआ कि ये जानवर सारा वक्त तोते की तरह खामोश और बेहरकत रहा। इसने इसके ऊपरी हिस्से पर आहिस्ता से छुआ। पीठ सख्त और सर्द थी, और जब इसने अपनी उंगलियों से इसके बालों को एक तरफ ढकेल दिया, बिली ने देखा कि वो नीचे से सियाह और खुश्क था। बिली ने कहा, यह बहुत अच्छा है, बिल्कुल दिलचस्प। उसने कुत्ते से मुंह मोड़ा और सोफे पर बैठ गया। उस औरत की बिली ने बहुत तारीफ की। इस तरह का काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता होगा। नहीं, उस औरत ने जवाब दिया, जब मेरे छोटे छोटे पालतू जानवर मर जाते हैं तो मैं खुद ही उनको भरती हूँ। क्या तुम चाय का एक और कप लोगे? नहीं, आपका शुक्रिया, बिली ने कहा। आपने किताब पर दस्तखत किया? जी हाँ। अच्छी बात है, क्योंकि बाद में अगर मैं भूल जाती हूँ कि आपको क्या कहा जाता है, तो मैं हमेशा यहाँ नीचे आकर इसे देख सकती हूँ। मैं अभी भी मिस्टर क्रिस्टोफर के साथ तकरीबन हर दिन ऐसा ही करती हूँ। और मिस्टर बिली ने कहा, मिस्टर टेंपल। अरे हाँ, मिस्टर टेंपल, बिली ने पूछा, लेकिन क्या पिछले 2 या 3 सालों में इनके सिवा कोई दूसरा मेहमान नहीं आया? चाय की तश्तरी को अपने एक हाथ में थामे, अपना सर बाएं से थोड़ा सा झुकाते हुए उसने इसे अपनी कनखियों से खौफनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा और कहा, नहीं, सिर्फ तुम।